आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया खबर रामबन से। आज जम्मू के रामबन में पाकिस्तान की जनता द्वारा भारी रोष प्रदर्शन किया गया। ये विरोध प्रदर्शन पीडीडी के खिलाफ नियमित रूप से हो रही बिजली कटौती को लेकर किया गया था, जिसके चलते बाजार की सभी दुकानें भी आज बंद रहेंगी। आइए सुनते हैं। यहाँ के आवाम की जो मजबूरियां हैं, आप जानते होंगे कि गरीब जनता है, यहाँ पर जो मजदूरी करते हैं उनको बिजली का जो बिल है महीने पर आ जाता है। शर्म आनी चाहिए उन डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को। अगर आप दुकानदार से सौदा नहीं लेते और दुकानदार आपको बिल भेज दे कि आपका सौदा एक महीने का हमने आपको सौदा भेज दिया, तो आप ही अंदाजा लगा दीजिए कि ये भी एक दुकान है, ये इनका डिपार्टमेंट है, इनको बिजली हमें देनी है तो हमसे पैसा लेना है। और एक मैं आपके माध्यम से आज एक चेतावनी देना चाहता हूं जम्मू कश्मीर की सरकार को और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर बिजली में सुधार नहीं हुआ तो बिजली डिपार्टमेंट को चाहिए कि यहां से जो तारें पोल वगैरह जो है जितने भी ट्रांसफार्मर हैं इनको हटा के ले जाए, ताकि हम गवर्नमेंट से उस चीज के हकदार हो जाए। यहां पर हमें सोलर जो है गवर्नमेंट से होता है, और हाल लेवल पे चाहे मतलब रेसिविंग स्टेशन लेवल पे या ग्रिड लेवल पे वहां पे ओवरलोडेड होता है, उससे शाम को 5 बजे से लेकर 10 बजे तक काट पॉसिबल होते हैं, एक्स्ट्रा काट। उसके अलावा एक कटौती का शेड्यूल बना होता है जो हमारे ऑफिसर साहिबन बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंगली बिजली बंद होती है। सर, अगर पिछले हफ्ते की बात की, इन 2 दिनों को छोड़ के बिल्कुल लाइट आती नहीं है, कभी 1 घंटे आई है, 2 बस, यही सिलसिला बदल सर, सर आप जानते हैं कि पिछली बार बर्फ होगी और बदकिस्मती से हमारे इलाके में सबसे ज्यादा बर्फ होगी और लाइनें हमारी डैमेज होगी, और जो मेन पावर हमारे पास है वो बहुत कम है, वो भी आप जानते हैं, तो उस वजह से कई बार फॉल्ट आता है। और जब शाम को, खासकर शाम को ऑलरेडी लोड ज्यादा होता है, अगर थोड़ा सा भी फॉल्ट होता है तो ये हमारे रेसिविंग स्टेशन से या ग्रिड स्टेशन से बिजली चली जाती है। सर, पिछले बार भी मकरकोट में एहतजाज हुआ था, तब आपने एक शेड्यूल दिया था। ये थी रामबन से सज्जाद चौपान की रिपोर्ट। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।